नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी अनुज ने क्वेश्चन किया था कि भाई जीआरटी के बारे में बताओ, जीआरटी का क्या यूज़ है मर्चेंट नेवी में। तो मैं बता दूं यार अनुज, जो जीआरटी होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस रोड टेनेज, जो शिप की टेनेज होती है, कितना उसका डेड वेट है, किसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है। तो वॉच कीपिंग का हिसाब बताऊं तो अगर 2000 जीआरटी से ज़्यादा का होगा तो इंजन से वॉच कीपिंग निकलती है। और डेक का हिसाब बताऊं तो डेक में बीएचपी काउंट होता है। बीएचपी मतलब बाइक हॉर्स पावर जितना होता है उसका 500 बीएचपी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई भी आप वेसल मार रहे हो, अगर आपको वॉच कीपिंग निकालनी है तो 500 बीएचपी से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप इंजन से जा रहे हो तो 2000 जीआरटी से ज़्यादा होना चाहिए वेसल का जो हिसाब है। तो अब जीआरटी और बीएचपी का क्या मसला है कि मैं बता दूं कि देखो, अगर आप कोई बड़ी आईटीएफ कंपनियों में जाओगे तो वहाँ पे मांगते हैं कितने जीआरटी का वेसल मारा है, कितना डेड वेट था उसका, कितना बड़ा आप जहाज़ मारो, जितना बड़ा जहाज़ मारोगे वैसे आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब यही हिसाब है मर्चेंट नेवी में। अगर आप छोटा टग मार के जा रहे हो, 2-3 टग वग मार के जा रहे हो, तो फिर अगर बड़ी कंपनी आईटीएफ में जाओगे तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होएगा आप लोग के लिए कि आप वहाँ पे जाके तुरंत क्लियर आपको कर देंगे। अगर आप बड़े जीआरटी का वेसल मार रहे हो, जैसे कि 58,000 जीआरटी का, 60,000 जीआरटी का, या 1,00,000 जीआरटी का, इसको वीएलसीसी बोलते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर बोलते हैं। तो वीएलसीसी होता है सबसे बड़ा जहाज, यूएलसीसी बोला जाता है, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर होता है, उसके बाद आता है वीएलसीसी, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। उसका जीआरटी कम से कम मैं बता दूँ 1.5 लाख से 2.5 लाख जीआरटी के पार होता है। जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एटी हो गई, आपकी एनवाईके हो गई, मोलर मक्स हो गई, सीजीए सीएमए हो गई, ये सब जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, इनके पास हायर जीआरटी की वेसल्स हैं। आप टग वग मार के जाओगे तो बोलेगी क्या मार गया भाई ये, तो वो लोग आपको नहीं लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कोई बड़ी जहाज मार लिया, कोई भी टैंकर मार लिया बड़े जहाज का, कोई भी बल्क कैरियर मार लिया बड़े टाइप का, तो आपको फटाक से ले लेंगे। मतलब गए, हाँ भैया जीआरटी मारो, हाँ आ जाओ, तुरंत आपको ले लेंगे, तुरंत आपका इंटरव्यू लेंगे, तुरंत आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, यूएस वीज़ा वगैरह सब निकलवा देंगे। तो मेरा क्या हिसाब था, मैंने पहला जहाज वीएलसीसी मारा था, जो ट्रांसओशियन में मैंने मारा था वो वीएलसीसी था, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर था वो। और उसका लंबाई बता दूँ 1.5 लाख से 2.5 लाख जीआरटी के बीच था उसका। तो उसके बाद देखो यही हिसाब था कि मेरे को कोई भी कंपनी उठा ली, मेरे को 2-3 कंपनी से कॉल आए थे। जब मैं दूसरी बार ज्वाइनिंग करने जा रहा था तो मेरे को ग्रेट ईस्टर्न से कॉल आ रही थी, और क्या बोलते हैं इंडियन स्टीमशिप से आ रही थी कॉल, और लास्ट में मैंने वो ये आपको बताया था मैं कि ओरियंट शिपिंग मैनेजमेंट ज्वाइन कर ली थी, वो आईटीएफ कंपनी है। तो लास्ट में उन्होंने मेरे को वहाँ से, मेरी जॉइनिंग थी जर्मनी से जॉइनिंग थी मेरी, तो मैं सेकंड टाइम ज्वाइन किया था तो वहाँ से मेरी जॉइनिंग थी। तो बड़े जहाज़ अगर आप मारे हो तो आपका आगे का हिसाब सही है, एक बड़ा जहाज़ मार लो ना स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जीआरटी का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक बार आप आईटीएफ कंपनी में घुस गए, कितनी छोटी भी जहाज़ दे देगा, कितनी बड़ी भी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जीआरटी का यही यूज़ होता है मेरे भाई। जब आप पूछ रहे थे कि जीआरटी का क्या यूज़ होता है, जीआरटी का यही यूज़ होता है कि बड़ी कंपनियां जब जाओगे ना तो आपको फटाक से ले लेती है बिना कुछ बोले। तो जीआरटी का यही यूज़ है और कोई यूज़ नहीं है जीआरटी का। आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने थोड़ा बताया कि जीआरटी, देखो अगर आप इंडेक्स से हो तो 500 बीएचपी से ज़्यादा वॉच कीपिंग निकलेगी। याद रखना, कभी भी सेल मारना तो बीएचपी देखना कि डेक पे जा रहे हो तो 500 बीएचपी से ज़्यादा होनी चाहिए, जब टग जा रहे हो या सप्लाई वेसल जा रहे हो। और अगर आप इंजन से जा रहे हो तो 2000 जीआरटी से ज़्यादा का वेसल होना चाहिए, फिर आपको आराम से वॉच कीपिंग निकल जाएगी। उसके बाद आप देखते रहो आगे, अगर बड़ा जहाज़ मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अगर स्टार्टिंग में बड़ा जहाज़ मिल जाए तो भाई आपकी लाइफ सेट ही सेट है भाई, मैं तो बोलूँगा आप सेट हो गए मर्चेंट नेवी लाइन में अगर बड़ी जहाज़ मार ली स्टार्टिंग में। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने बताया जीआरटी, और कन्फ्यूज़न आपका अनुज दूर हुआ होगा मैंने जो बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।